भाई लोग फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने दूसरे घर। ये देखो पीछे बॉयज हॉस्टल लैंसडाउन। भाई ये रहा देखो अपना हॉस्टल, ये मेरा सबसे पहला कमरा था। अड्डा खोल के जितने बंदे थे जो सीनियर थे सबके मोबाइलियां डाल दिए, जमा नहीं कराए, और फिर एफएम पे गाने सुनना। उस समय पे यही होता था, सर ने पकड़ दिया हमें, सर ने गड्ढे पकड़ दिए, ऐसा मारा ना भाई। गुड मॉर्निंग भाई लोग, दिस इज अभिजीत जमलो क्या आपका कितारवासी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं लैंसडाउन। लैंसडाउन देखो हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये देख लो आप लैंसडाउन बस 2 किलोमीटर रह गया। और यहाँ आगे से ना हिमालय दिख रहा था, बहुत गजब का हिमालय दिख रहा था और बहुत सुंदर रास्ता है। मैं तो बहुत समय बाद आ रहा हूँ, करीबन मैं 6 साल बाद आ रहा हूँ, तो एक गजब का एक्साइटमेंट है अपने पुराने स्कूल पुराने हॉस्टल को देखने के लिए। और इन बंदों को कितना एक्साइटमेंट है पूछते हैं भाई, कितना एक्साइटमेंट है लैंसडाउन के लिए लेवल, क्योंकि तुम तो दूसरा आ रहे हो, मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है, ठंडा होने लग गया? नहीं, मैंने जो वो चौखंबा पीक देखी ना वहाँ से, भाई साहब मजा आ गया। क्या बोलते हैं इन्हें, दिखा कल से दिखाई देते हैं ना। सर सब्सक्राइब कर लेना पहले, लाइक वाइक कर दो पहले, तब चौखंबा। अरे देखो अभी यहाँ पे हमारा फोटो सेशन होगा, फिर उसके बाद अभी वहाँ पे जाके आपको पूरा मतलब बहुत सुंदर दिख रहा है हिमालय यार, वो दिखाते हैं। और कैसा लग रहा है यहाँ का रोड, कैसा है रोड? भाई अब हो गया ठंडा, कल से मैंने ग्लव्स पहने नहीं थे, मजे से चल रहे थे, अब ग्लव्स पहनने की जरूरत पड़ी, उंगलियां पड़ रही आगे की, सुन ठंडा हो गया मस्त। तो मैं इसको इसीलिए बोल रहा था कि लैंसडाउन में इतना ठंडा होता था तो यहाँ पे इसीलिए हॉट लोग रहते थे। हाँ, अब जब से तुम गए तब से और ठंडा पड़ने लग गया, तब से जरा वो हो गया ना, स्थिति खराब डामाडोल हो गई। अभी मैं फिर आया हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे वापस गर्माहट लाते हैं। अभी बहुत सुंदर है, देखो चीड़ के जंगल ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर है। बट एक और चीज, ये देखो लैंसडाउन में स्वागत है, हटाओ यार भाई बंदो मत करा करो यार, इतना सुंदर ये लग रहा है स्टेट हाईवे 51 लैंसडाउन दो और ये बेवकूफी जैसी गरीबी है। तो अभी बस यहाँ पे थोड़ा फोटो खींच के फिर उधर हिमालय दिखाते हैं, फिर हम लैंसडाउन एंटर कर जाएंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, पूरी फ्लैशबैक मेमोरीज, आर्मी हॉस्टल, आर्मी स्कूल, और आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी है। तो जब तक ब्लॉग आएगा तब तक इंडिया जीत गया होगा, वर्ल्ड कप हम जीत गए होंगे यही आशा है, कभी उल्टा ना हो जाए। बट नहीं, हमारा पूरा महादेव से भी ये विनती है कि हे प्रभु भारत इस बार वर्ल्ड कप जीते और हम फिर सबके सब साथ में सेलिब्रेशन करेंगे। अभी बहुत सुंदर है, 11 बज रहा है, तो हमें जल्दी आज का घूम घाम खत्म करके हमको निकलना है, क्योंकि हमें मैच देखना है, क्योंकि मैच के लिए हम दोनों ही बड़े एक्साइटेड हैं। बिल्कुल मैच के लिए एक्साइटेड हैं भाई, और पूरा मैच देखना है आज का, आज मजा आने वाला है। पैट कमिंस से पहले वो स्टेटमेंट दे रखी है कि 1.3 लाख लोगों के सामने जीतने का अलग मजा है, बट उसको 1.3 बिलियन लोग जब चुप कराएंगे उसको, तब उसको पता लगेगा कि क्या सीन है। चलो अभी जरा वो पहाड़ वहाड़ दिखाते हैं आपको, जब तक आकाश भाई मूड हो रहा है तब करेंगे उसका शूट, चलते हैं। बहुत यार मजा आ रहा है, ऐसा पुराने दिन से याद आ रहे हैं, बहुत अंदर संबंध भाई, कैन नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग, बहुत जबरदस्त और वहाँ से व्यू बहुत गजब आएगा। तो भाई ये मैं यहाँ पे पहुँच गया, ऐसे हिमालय दिख रहा है और मेरे ठीक सामने हिमालय दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ एकदम जूम करके दिखाऊंगा, पहले दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है फिर दिखाता हूँ एकदम जूम करके। ये यहाँ पे एक पॉइंट भी बना रखा है शायद हिमालय के लिए, वो उधर हिमालय दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। मेरे ठीक सामने तक राउंड ऑफ हिमालय चौखंबा है, वो देखो एकदम पेड़ों के बीच से ऐसे चौखंबा दिख रहा है, और उधर पूरा का पूरा माउंटेन रेंज दिख रही है, साला ये पेड़ बीच में आ गया। इधर से पूरी देखो हल्की हल्की दिख रही होगी, पूरी रेंज शुरू है, इधर चौखंबा दिख रहा है, बहुत सुंदर है यार। और इधर तक एक माउंटेन ये भी दिख रहा है, मतलब पूरा का पूरा रेंज है इस पहाड़ के पीछे, बहुत सुंदर है। तो भाई लोग फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने पुराने स्कूल, ये देखो मेरे पीछे दिख रहा है आर्मी पब्लिक स्कूल लैंसडाउन, यूके यूनाइटेड किंगडम में उत्तराखंड। तो आज संडे है तो स्कूल बंद है, पता नहीं अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे, बट बड़ा यार वैसा सा हो रहा है। कैसा लग रहा मेरे स्कूल आके, मुझे अंदर करवा दो, एंट्री करवा दो, लग रहा ना खतरनाक लैंसडाउन। देखो ये है, यहाँ से हमारा गेट होता था, यहाँ से हम जाते थे, वो उधर पे आप देख रहे हो बास्केटबॉल कोर्ट, उधर ही पे हम खेलते थे। यहाँ पीछे पे एक मस्त सा वो होता था आकाश भाई, बन समोसे वाला, ₹7 में शूटिंग वूटिंग हमको GRRC में आर्मी वाले ही सिखाते थे, कभी कभी वो ले आते थे। जैसे ये देखो ये बच्चों को सिखा रहे हैं ना, ये सुभाष हाउस का बंदा है ये, क्योंकि ये पीला शर्ट है, उसके बगल में वो टैगोर हाउस की लड़की है, क्योंकि मैं भी टैगोर हाउस में था, वाइस कैप्टन भी था मैं टैगोर हाउस। तो बड़ा मज़ा सा आ रहा है यहाँ पे ना, पुराना देख के। अभी यहाँ नीचे बुल्ला ताल है, उधर जाएंगे, इधर हमारा फुटबॉल ग्राउंड था आगे, वो जहाँ पे वो गाड़ियाँ लगी हुई हैं उस साइड हमारा फुटबॉल ग्राउंड था, ये अपना आर्मी स्कूल। तो भाई लोग ये नीचे से ये हमारा फुटबॉल ग्राउंड होता था, यहाँ पे बहुत खेला हुआ हमने, उधर हमारी लैब होती थी एक ज़माने में वाली, उसी से पीछे हम चर्च के रास्ता था हमारे लिए, मतलब स्कूल वालों के लिए। ये वाली तो शायद नई बिल्डिंग बनी है अभी, ये पहले नहीं था, ये वो कैंटीन जहाँ मैं बोल रहा हूँ, बंद समोसा मिलता था ₹7 का, बड़ा सुंदर है यार, मतलब ओल्ड डेज आर बैक, मज़ा आ रहा है देख के। बस खुला नहीं है स्कूल, उसका थोड़ा बुरा लग रहा है मेरे को, अंदर जाके अपनी क्लासेस वगैरह वो देखने का बड़ा मन था, बट आज संडे है, किस्मत ख़राब तो जा नहीं पा रहा, बट
ये बहुत कुछ सिखाया मेरे को, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ सीख के निकला मैं यहाँ से। अभी इसके हॉस्टल जाऊँगा जो और स्पेशल है। सो वो लोग अभी मैं जा रहा हूँ भुल्ला ताल। अभी भुल्ला ताल बहुत चेंज हो गया यार, और 150 रुपये का टिकट भी हो गया। हमारे टाइम पे तो फ्री था हम लोगों के लिए, शायद हम स्कूल वाले थे इसलिए। पहले ये कुछ नहीं था, ये ब्रिज नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ लेक थी और बोटिंग होती थी। अभी तो उन्होंने पूरा का पूरा कायाकल्प कर दिया एकदम, मतलब बहुत सुंदर सा बना दिया है। आकाश भाई पहले ना ये तक नहीं था, ये गमले कुछ नहीं था भाई, ये टिकट भी नहीं होते थे, 30-40 रुपये टिकट होते थे, हम लोगों के लिए फ्री होता था। ये ब्रिज नहीं था जहाँ पहले फ्री आते थे, जहाँ पहले वही तो यार भाई लोग। फाइनली हम बोटिंग कर रहे हैं भुल्ला ताल में। ये देखो ये रहा भुल्ला ताल, बहुत क्या सुंदर लग रहा है यार वहाँ। ये देखो ये पैडल चल रहे हैं, खुद ही बोटिंग करना है ये डायरेक्शन के लिए। कैसा लग रहा है बोटिंग करते हुए? मजा आ रहा है भाई, खास कर ये देखो क्या मस्त एकदम सेटअप सेटिंग हो रखा है। राइड कर लो थोड़ा, पहले बहुत सालों पहले करी है मैंने यहाँ पे बोटिंग, अभी तो बिल्कुल अलग सा लग रहा है कुछ, बट फील वही है। आकाश भाई हाँ। मैंने पकड़ते ही आपको लगा ना एक्सपीरियंस वाला बंदा, मजा आ रहा है एंकर के, तुम्हें और तुम्हें लगा ना एक्सपीरियंस वाला बंदा है ना, हैंड ब्रेक है, मैं कह रहा हैंड ब्रेक है। बड़ा मस्त है यार, थोड़ा थोड़ा ऐसा टूरिस्टिक चीजें भी करनी चाहिए कभी कभी। सही बात है, बड़ा मस्त है भाई, बतख का वो बना रखा है इतना बढ़िया सा है, पूरा भुल्ला ताल है पीछे तक, बहुत सही भाई। अभी हमने आर्चरी करी है, और पहले तो इतना गंदा था हमारा पहला राउंड, पर दूसरा राउंड मैंने 10 पे मारा ना, एक मारा ना मैंने 10 पे पाल दो रे, वीडियो डाल दूंगा एक ही मारा, ज्यादा नहीं मारा, एक ही मारा 10 पे मारा। कोई नहीं, ये बंदा इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो भाई वो देख रहे हो वो गोला, इसके ना वो पीछे हरे पे लग रहे थे, तो हो जाता है जेलस पीपल यू नो, दे कैन नॉट डू इट। देखो आप बोल रहे 9 पे था, मतलब था मेरा था 9 पे मेरा। अबे भाई वीडियो है भाई, हर चीज की वीडियो है, मैं सब डाल दूंगा। और बताओ तो भी कर ले, और इसका भी पेमेंट लग रहा था। आजा मजा आ रहा है, मामला क्लीन करने का। आ देख नाइस, अभी किस अंदर से दबाना है भाई, साइकिल है। चलो टेक टू हो गया तुम्हारा, देखो भाई देखते हैं कहाँ जाता है। ओ नाइस नाइस बेटर। सो भाई लोग फाइनली अभी मैं पहुँचा हूँ चर्च पे। ये देखो ये है चर्च, लैंसडाउन का चर्च है, तो बेसिकली आर्मी के अंडर है। तो जब हम हॉस्टल में रहते थे यहाँ तक दौड़ने आते थे, यहाँ से मेरा हॉस्टल कुछ 4-5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमें अंदर कई बार संडे को फिन दिखाई जाती थी आर्मी की, गढ़वाल राइफल्स की वगैरह वगैरह, बहुत सुंदर जगह। और यहाँ से पूरा हिमालय दिखता है उधर पे, वो भी दिखाता हूँ आपको कैसा दिख रहा है। तो ये बहुत सुंदर सा था, यहाँ से देखो मतलब अच्छा सा हर जगह साफ सुथरा लैंसडाउन अपना। सो भाई लोग अभी हम थे चर्च पे, लैंसडाउन चर्च पे, तो यहाँ से मस्त हिमालय दिख रहे हैं। देखो चौखंबा, फिर झनूकोट, फिर मंदानी पर्वत, सुमेरू, फिर केदार डोम, फिर केदार मेन, फिर कीर्ति स्तंभ, फिर थले सागर, और फिर इस साइड आ जाती है पूरी गंगोत्री रेंज। भाई लोग फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने दूसरे घर। ये देखो पीछे बॉयज हॉस्टल लैंसडाउन, यही मेरा घर था काफी सालों तक। ये रहा हमारी मेस, इसके आगे हॉस्टल है, अगर अंदर जाने के देंगे तो दिखाता हूँ कैसा लग रहा मेरा हॉस्टल आगे। अरे बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है देख के, ऐसी जगह हम रहे हैं बचपन से, स्वर्ग में रहे तुम। हाँ ये देखो गढ़वाल राइफल्स, अभी बोर्ड चेंज हो गया, पहले उधर पे आर्मी पब्लिक स्कूल हॉस्टल था। ये बास्केटबॉल कोर्ट जब हम थे तब सिर्फ बजरी थी यहाँ पे, भाई सिर्फ बजरी पे खेलते थे हम। अभी तो इन्होंने प्रॉपर मतलब ये कर दिया, अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना दिया, आधे ज्यादा दिन हमारा यहीं जाता था शाम का। मैं था 2008, तो बड़ा मस्त लग रहा है यहाँ पे। अभी अंदर जाके दिखाता हूँ आकाश भाई को कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रूम थे मेरे, अगर वो जाने देंगे तो। बाकी यही है अपना हॉस्टल, यहाँ ऊपर संतोषी माता का मंदिर है, देखते हैं टाइम मिलेगा तो जाएंगे, चलते हैं अंदर। भाई फाइनली हॉस्टल के रूम में आके इतना बढ़िया लग रहा है, पूरा करीबन 13 साल पहले था मैं यहाँ पे, और सेम मतलब मैं आकाश भाई को भी बोल रहा था वही खुशबू आ रहा है, सेम स्मेल है, मतलब अच्छा गुड स्मेल है। तो अभी तो ये पूरा चेंज हो गया, ऐसे थे ही नहीं हमारे, हमारे बंक बेड्स होते थे ये, तो अब ड्रॉअर ड्रोअर पता नहीं क्या क्या दे रखे हैं। और ऐसा ही एक ट्रंक होता था मेरा भी, उस पर अभिजीत लिखा होता था। सो दिस वॉज अवर रूम। मतलब मेरे को भी आया था क्योंकि जैसे वो किया था ना बेसिक माउंटेन कोर्स किया था, तो बीएमसी के टाइम पे ऐसे ही था अपना भी, पर वही था डॉम वाला सिस्टम था ऊपर नीचे, ठीक है अच्छी फैसिलिटी है वैसे। भाई इतना मजा सा आ रहा था, वही ऐसे बहुत चेंज हो गया यार, अब वो नहीं रहा जैसे हम थे पहले, बहुत अलग हो गया। आगे देखता हूँ कैसा, पर वही वही खुशबू आ रहा है यार, मजा आ रहा है घर। भाई ये रहा देखो अपना हॉस्टल, ये मेरा सबसे पहला कमरा था जब इसको रूम नंबर 9 होता था उस समय, अभी तो बदल गया है। बहुत सुंदर यार, पूरा फ्लैशबैक वही चल रहा है, एकदम जबरदस्त लग रहा है, वाह
अभी वो नीचे वाले हॉस्टल में जाते हैं, वो मेरा बाद में हॉस्टल था, वो दिखाता हूँ आकाश भाई को। चलो लेट्स गो डाउन। तो यहाँ से हम शिफ्ट हो गए थे फिर इधर। गर्ल्स हॉस्टल था ही नहीं, गर्ल्स भी तो पढ़ती है, गर्ल्स थे ही नहीं, सिर्फ आर्मी हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल था बस। गाइस अभी ये ट्यूशन रूम बना दिया इन्होंने, बट यहाँ पे पहले हमारा रूम था, तो हम जब 10th में थे तो हम 10 लोग रहते थे, यहाँ पे मेरा बेड होता था, मेरे पास था यहाँ, और हम 10th में थे तो बंक बेड नहीं, हमें फिर वाले बेड मिले थे, उसमें हम इतने खुश हो गए थे कि वहाँ पर बंक बेड नहीं। और उससे बाद में इसको फिर वो बना दिया था थिएटर रूम, यहाँ पर पिक्चर देखते थे। और एक चीज़ फिक्स थी कि संडे को पिक्चर होती थी हमारी, 2-3 घंटे का टाइम मिलता था शाम को, पर बॉर्डर जरूर देखनी है, उसके बाद टाइम बचेगा उसमें कोई नहीं पिक्चर, पर बॉर्डर हर संडे देखने और सब होते रहते थे भाई, मतलब अलग लेवल था यार ये फील है। ये हमारा आंगन, आंगन ये जो रेलिंग रेलिंग है, इस पर हम संडे को कपड़े धो के सुखाते थे, यहाँ गद्दे फैलाए रहते थे हमारे, यहाँ पर हम कई बार चोरी छुप के रॉड लाते थे घर से जो लोग, फिर मैगी बनाते थे। जब हम हॉस्टल से भागते थे थोड़ा बहुत बंक टाइप का, वहाँ जाके फिर बन समोसा, वही जो स्कूल में मिलता था यहाँ भी मिलता था। बंक तो मारा जा सकता है यहाँ से, यहाँ से तो निकल सकता है आराम से। पहले कुछ भी नहीं था, पहले कुछ नहीं था, अब तो जा सकते हैं आराम से। उधर से है ना, उधर से एक रास्ता दिखाता हूँ, तो नया नया बन गया तो ऐसे सीधे वहाँ, और वहाँ से फिर नीचे सीधा नीचे। और 3 मिनट लगते थे हमें कैंटीन में जाने में, धर 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 ये ऐसे जाते हुए, इतना तेज, इतनी वो हो गई थी, प्रैक्टिस हो गई थी। ये कुछ नहीं था, ये अभी बना है, पहले ये था ही नहीं, टॉयलेट पीछे होता था। अच्छा, ये था ही नहीं भाई कुछ, वो केवी है सामने, और ये सामने केवी है गाइस। वो हम फुटबॉल खेलने जाते थे उधर पे। अरे वाह यार, मजे लिए गाइस, अभिजीत भाई ने मजे लिए आर्मी स्कूल में, देख रहे हो। और अभी सेंटी हो रहे हैं थोड़ी देर पहले, अभी मेरे को चुप कराना पड़ा, इन्हें रो रहे थे बैंक, मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार होता है। और भाई एक और चीज़ बताता हूँ, हमारे यहाँ पे ना फोन लाना अलाउड नहीं था, तो फोन जमा हो गया था, ठीक है। एक बार क्या हुआ, अब रिवील कर रहा हूँ ना, उस समय तो किसी को पता नहीं, यहाँ पे एग्जैक्टली यही जगह थी, ये जगह गड्ढा खोदा था हमने, ठीक है। और गड्ढा खोद के जितने बंदे थे जो सीनियर थे, सबके मोबाइल यहाँ डाल दिए, जमा नहीं कराए। और वार्डन सर ने पूछा, सुधार सर ने पूछा, तो मोबाइल नहीं लाए इस बार, हमने बोला नहीं लाए इस बार, और सब यहाँ डाल दिए। और रात को छुप के आके फिर गड्ढा खोदना, फिर निकालना, फिर FM पे गाने सुनना। उस समय पे यही होता था, मेरे पास तो नहीं था 1600 था, बट जो मेरे दोस्त लोग थे उनके पास FM वाले गाने थे, तो बस उस समय मैसेजेस का कल्चर था, तो मैसेज भेजते थे, वो 10-11 रुपए में 1000 मैसेज मिलते थे। देखो जरा अभी खोद के कहीं फोन तो नहीं पड़ा हुआ है यहाँ पे। और एक दिन फिर सर ने पकड़ दिया हमें, सर ने गड्ढे पकड़ दिए, ऐसा मारा ना भाई, ऐसा यहाँ पे मैंने बहुत पनिशमेंट खाई है। ऊपर वाला देख रहा हूँ रूम नंबर 11, वो रूम मेरा था, तो मैंने इतनी पनिशमेंट खाई है वहाँ पे, उल्टा हाथ नीचे पैर ऊपर खड़े रहो 15-15 मिनट भाई, चलो इसी बहाने 15 मिनट नहीं हुए तो फिर 15 मिनट खड़े रहो, इसी बहाने हेड स्टैंड की प्रैक्टिस हुई। तो ये लोग, ये था पहला वाला, यहाँ पे हमारा रोल कॉल वगैरह होता था, रोल कॉल। और जब मैं पढ़ता था तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जिम वगैरह तो अब लगा दिया, तो पहले खाली था, यहाँ पे हमारा रोल कॉल होती थी बस, रोल कॉल होती थी, इधर पे हमाम होता था। पर अब वार्डन सर बोल रहे हैं कि अब गीजर लग गया है, तो पहले ये जिम वगैरह जो आप देख रहे हो कुछ नहीं था, इस जगह पे हमारी रोल कॉल होती थी शाम को, बढ़िया था। ये बेंच वेंच सब जो आप देख रहे हो ये सब नए लगे हुए हैं, बड़ा मस्त है यार, मज़ा सा आ रहा है देख के भाई। लोग ये अपने उपेंद्र भाई हैं, ये हमारे टाइम से 13 साल से यही है। उपेंद्र भाई पहचाने नहीं मेरे को, पर बाद में पहचान गए थे, तो अभी वही सीन है, वही सेम बात, वही सेम दाल अभी खाएंगे हम। उपेंद्र भाई धन्यवाद खाने के लिए। तो बस वैसा ही है, मैं देखो पहले भी वैसा ही था, अभी भी सेम है, कुछ नहीं बदला यहाँ पर। बट हमें यहाँ एंट्री मिल गई, पहले नहीं मिलती थी यहाँ एंट्री। पहले भगा देते थे यहाँ से। तो गाइस ये मेरे हॉस्टल का मेस है, आवाज़ नहीं करते मेस में। और यहाँ पे भाई लोगों ने, भाई लोग के उपेंद्र भाई लोगों ने हमें खाना खिलाया, पुराने दिन याद आ गए, सेम कुछ नहीं बदला यहाँ पर, वैसा ही एकदम सेम जग, पानी का भी वही, दाल भी वही, वही टेस्ट, बढ़िया अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब। वेलकम टू आवर बास्केटबॉल कोर्ट, ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट होता था, अभी तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या मस्त हो रखा है। हमारे टाइम पर खाली बजरी थी भाई, और फिसलते रहते थे हम, यहाँ देख रहे हो आप, ये एकदम बड़ा सा बढ़िया सा कर दिया, फेंस वेंस लगा दिए, जाली जुली लगा दी, हमारे टाइम पर कुछ नहीं होता था। और इधर आवाकाश भाई, वहाँ नीचे गार्ड देख रहे हो, वहाँ जाती थी बॉल, अरे भाई वहाँ से लानी थी हमने फिर बॉल, अभी तो क्या मस्त हो गया यार। यहाँ पे मतलब शाम मेरा तो स्पोर्ट ही था, बास्केटबॉल ही था यहाँ पे, तो वही खेलते रहते थे।
अभी ये देखते मैं सो रहा, अभी बॉल खेलना था, बॉल है नहीं यहाँ पे, पता नहीं क्या अभी बंदो रखा। मुझे लग रहा है क्रिकेट भी खेलते हैं शायद यहाँ पे। क्रिकेट नहीं खेला कभी? क्रिकेट खेलते, क्रिकेट कम होता था यहाँ पे, अभी बॉल है नहीं, नहीं तो खेलते। बट अभी वो सर बोल रहे हैं उधर है बॉल कहाँ, पता नहीं कहाँ है। ये मैच है बाहर पे, अच्छा सा लग गया है। बस अब यहाँ से विदा लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बहुत सिखाया यार इस हॉस्टल ने, बहुत सीखा हमें, बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत चीज़ें मेरी लाइफ की। अगर आप देखते हो मेरे को वीडियोज़ में कॉन्फिडेंस, उसमें मेरे हॉस्टल का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं थैंक यू करता हूँ आर्मी हॉस्टल को। और बस चलते हैं वहाँ से। भाई लोग अभी आ गए टिप एंड टॉप। यार यहाँ पे भी पैसे लग रहे हैं, आप 20 रुपये लग रहे हैं। हम तो हॉस्टल से ऐसे ही आ जाते थे टॉप टूप के। पर अभी अच्छा सा कर दिया, रेलिंग रूलिंग बना दी है, देखो अच्छा तो कर दिया, रेलिंग रूलिंग बना दी। आगे जाते हैं, थोड़ा सा ही है यहाँ पे से जहाँ पे से व्यू दिखता है, फिर वहाँ से व्यू देखते हैं। मैं आता तो मैं नहीं आता दोबारा, बट आकाश भाई है तो उसके लिए आ रहा हूँ। तो भाई लोग ये है टिपिन टॉप, ये है टिपिन टॉप से नज़ारा, वो सुंदर गांव दिख रहा है उधर, जयरी खाल। बस जयरी खाल से आगे गुम खाल, उसी साइड जाना हमने। बस ये है टिपिन टॉप, अच्छा व्यू दिखता है, हिमालय हिमालय दिखता है जब थोड़ा क्लियर रहेगा। काफ़ी लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर पे। सो फाइनली बाबा लोग लैंडस्टोन वगैरह घूम घाम के फिर हम रास्ते में भी बहुत बढ़िया सनसेट था यार, उसका व्लॉग नहीं बना पाया मैं क्योंकि वीडियो फोटो में बिजी हो गए थे। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं जैक पहाड़ी होमस्टे, गुमखाल से करीबन 20 किलोमीटर ऋषिकेश वाली रोड पे है। बहुत सुंदर बनाया हुआ है एकदम पहाड़ी स्टाइल में, और बहुत अभी दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा है। तो ये अपना कमरा जहाँ पे हम रहेंगे आज, ये यहाँ का बालकनी है, बालकनी नहीं यार क्या बोलते हैं इसको, एक रूम जैसा, हॉल जैसा है। और यहाँ सामने से व्यू आएगा सुबह, आई गेस बहुत ज़बरदस्त व्यू आएगा। अभी तो एकदम अंधेरा हो गया, रात हो गई, अभी हम आते ही यहाँ पे आए। यहाँ पे बैग वैग छोड़े हैं जैसे तैसे, क्योंकि मैच हो रहा था इंडिया का और मैच देखने चले गए थे हम। तो 240 बनाए हैं, होपफुली जीत जाएं यार। बड़ा वो हो रहा है कि बहुत कम बना दिए, बट हाँ अपने बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो होपफुली हम जीत जाएंगे। अभी बस मैच देखने जाएंगे, बाकी आपको थोड़ा नीचे का दिखाता हूँ। ये नीचे का एरिया है देखो, ये किचन विचन है, इधर काम हो रहा है। ये बाहर का एरिया है, बड़ा सही है ये भी, इधर पूरा आंगन जैसा है, प्रॉपर पहाड़ी घर जैसा होता है। उसको रिनोवेट किया हुआ, अच्छी चीज़ें बनाए हुए। देखो प्लीज़ कीप इट क्लीन, देन प्लीज़ कीप इट क्लीन। अच्छा सजाया हुआ भी है, लाइट वगैरह लगा के। और ये यूज कैफे, ये है कैफे, गढ़वाली कैफे है। ये है पंकज जी, आपका शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। यही है जैक पहाड़ी होमस्टे के ओनर। ऐप पढ़ कर तुम्हारो, देखो वारली, अच्छा ये वारली है ना, हाँ ऐपण भेर करो ना, ये वारली आर्ट है। और बाहर ऐपण है वो उधर पे कराओ, देखो उस पर। ये हमारा किचन है, पहाड़ी किचन। ये गिटार है, बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, बाहर भी दिखा दे मैंने आपको। देखो प्रॉपर ये एकदम अपना मिट्टी का बढ़िया सा बनाया हुआ है। देखो ये डिज़ाइन भी मिट्टी से ही किया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला, ज़बरदस्त। तो ये पंकज भाई का स्टूडियो है, वो कह रहे हैं छोटा सा स्टूडियो है बोले, पर ये ज़रा बड़ा स्टूडियो है। तो यहाँ पे पंकज भाई क्या क्या करते हो आप यहाँ पे? यहाँ सारी चीज़ें होती हैं, कार्विंग हो गया, पोटरी, बताओ उनको स्टोन कौन कौन सा कार्विंग है, माइक्रो स्टोन कार्विंग। जैसे कोई एक नमूना दिखाएंगे अगर, ये देखो ना, तो ये देखो, ये देखो ये महादेव, ये राम, ये सारे स्टोन पे इन्हीं महाशय ने बनाए हैं। तो ये पेंडेंट वाले हैं, ये पेंडेंट वाले हैं, देखो वाह, राम लिखा हुआ, देखो राम लिखा हुआ है, जबरदस्त जबरदस्त। अभी हम रात में आए, सुबह एक बार फिर से इसको ना ढंग से दिखाएंगे, पर हाँ अभी तो दिख ही रहा है, देखो बढ़िया दिख रहा है, वाह। मतलब ऐसी जगह पे बहुत दूर है फिर भी इतना चीज़ अपने उसको, अपने कल्चर को जीवित रखा है इन्होंने, बड़ा मज़ा आया देख के। अभी सुबह फिर आऊँगा मैं यहाँ पे, अभी कुछ कुछ चीज़ें दिख नहीं रहा ढंग से लाइट के साथ, और बढ़िया दिखेगा, बड़ा सुंदर सा है देखो। तो ये बहुत बढ़िया कर रखा है, प्रोग्राम वगैरह कर रहा हूँ, हाँ मेडिटेशन जन ना, अच्छा। म्यूजिक वगैरह है, छोटे छोटे इवेंट ना, वर्कशॉप टाइप, तो यहाँ पे सारी आर्टिस्टिक टाइप की चीज़ें होती हैं मतलब अंदर ना। अच्छा तो आर्टिस्ट लोकल है बेसिकली, हाँ वैसे भी सीखने वाले भी, हाँ भाई दुनिया भर के आर्टिस्ट लोग, अगर आपको थोड़ा पीस चाहिए और शोर शराबे से अलग थलग चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जैक पहाड़ी होमस्टे नंबर नंबर के सही था, यहाँ पे आओ। तो भाई लोग खाना खोना खा दिया, खाना खोना खाया, बड़े दुखी मन से खाया क्योंकि हम वर्ल्ड कप हार गए। खराब लगा? खराब लगा, नहीं लगा, अरे भाई कैसे, बहुत खराब लगा। बट यार देखो, नहीं हमारे बंदों ने बहुत बढ़िया खेला है, पूरी पूरी टीम ने, पूरे वर्ल्ड कप इतना बढ़िया खेला है, तो एक मैच पे हम उनको कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप तक आए, बहुत बड़ी बात है। मैच से जज नहीं किया, मतलब हमारे लिए तो चैंपियन हमारा इंडिया ही है, बट हाँ अगर वर्ल्ड कप ट्रॉफी हाथ में होता तो और अच्छा होता, और मज़ा आता, बट ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वर्ल्ड कप घर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी वेल प्लेड इंडिया, बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। कल एक नई एक्साइटिंग जगह पे जा रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय केदार, बाय बाय।